कोटा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एसटी के लोगों के धर्मांतरण के बाद मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को बंद करने की मांग लोकसभा में की। उन्होंने कहा कि एसटी के लोगों का धर्मांतरण कर ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद आरक्षण और सरकारी सुविधा बंद हो जानी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों में ये लागू है। इस कदम से ही प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मामले पर रोक लगाई जा सकेगी। सर 341 और 342 अभी सुप्रीम कोर्ट पर इस पर बड़ी चर्चा चल रही है और केंद्र सरकार ने यह कहा कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं खासकर मुसलमान में और क्रिश्चियन में हम उनको रिजर्वेशन नहीं देंगे केवल जैन सिख और बौद्ध को छोड़कर। 342 भी मोर और लेस वही धारा है और उसी के आधार पर हम शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देते हैं या सुविधा देते हैं। लेकिन लोग पढ़ाई के नाम पर लोग शिक्षा के नाम पर या लोग उनके स्वास्थ्य के नाम पर या लोग उनको बरगला के धर्मांतरित कर रहे हैं और मेरे इलाके झारखंड में उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में और नॉर्थ ईस्ट में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि 341 और 342 एक ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि हम किसी कीमत पर धर्मांतरित होने वाले शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में ये लागू होना चाहिए जो धर्मांतरित होते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।